अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए, ये सारा तो हमने मंगवाया चांद रात के लिए। दिन तो जुमेरात के दिन 6 बजे तो आ गया, मतलब चांद के पहले हमारे घर में ये सारी चीज़ें आ गई। तो चांद रात अल्लाह हमेशा हमारा घर इसी तरह भरा रहे। बस इसको अनपैकिंग अभी करनी है, तो जैसे ही टाइम मिलेगा सब काम हो जाएगा, जुम्मा की नमाज हो जाएगी, तो मैं खोल दूंगी इसको, अनपैकिंग करूंगी, तो वीडियो ज़रूर डालूंगी। तो देखिए इस तरीके से अब ये सारा उठा के मुझे साइड में रखना है। रीज़न ये कि अभी नमाज वगैरह है तो सब आया है तो वैसे ही रखा है, मैंने कुछ उठाया नहीं है। रीज़न है कि टाइम ही नहीं है कल से, और कुछ वीडियो मेरे इसीलिए लेट आते हैं कि टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है इस वजह से। ये देखिए, तो अभी अनपैकिंग करूँगी तो सारी वीडियो डालूंगी क्या क्या मंगाया है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये देखिए, रमज़ान की सारी शॉपिंग हो चुकी है, अभी इसको अनपैकिंग करना है, तो हम देखेंगे बाद के वीडियो में। अभी कुछ खाने की चीज़ें हैं जो टेबल पे, और सुबह की भी रेडी तैयारी करके रख दी है। सैरी की ब्रेड लाके रख दिया है सुबह के लिए, और ये भी हम जब ओपन करेंगे तो आपको ज़रूर वीडियो डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने बोला था कि मैं आपको बाद में, मतलब जो भी है शॉपिंग की हुई, तो मैं आपको वीडियो बाद में डालूंगी। तो ये वीडियो कुछ फ़ोटोज़ है जो हम ओपन करके जो रखे हैं। तो ऐसा है कि हम वेडनेसडे को गए थे शॉपिंग करने, और उन्होंने कहा था आएगा 2-3 दिन के बाद, तो हमने होम डिलीवरी किए थे, तो होम डिलीवरी 2-3 दिन के बाद आने वाली थी, मगर आ गई चांद रात के पहले। तो हम लोगों को जुमेरात के दिन, चांद रात के दिन 2-3 बजे हमको ये सारी डिलीवरी मिल गई, मतलब 6 बजे के पहले हमको डिलीवरी मिल गई। 2 बजे उन्होंने फ़ोन किया था, 6 बजे तक ला के दे दिया, तो सारी डिलीवरी हो गई। और ओपन करना इसके लिए रह गया क्या, साफ़ सफाई भी होती है, कुछ काम भी होते हैं, और चांद रात के दिन तो बहुत ही काम होते हैं इस वजह से। तो कभी भी आप शॉपिंग करने जाए तो ज़रूर इस बातों का ध्यान रखें, क्या रमज़ान की हो या मंथ की हो, हर महीने की हो आपकी शॉपिंग, तो आपको क्या क्या लेना है उसकी भी लिस्ट बनाई जाए। और घर की हर चीज़ में अगर आपका कुछ बेनिफिट होता है तो वो चीज़ें ज़रूर ली जाए, जिसकी वजह से सारी फैमिली उस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। खाने पीने की चीज़ हो, चॉकलेट हो, ड्राई फ्रूट हो, चाय पत्ती हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, तो हर कोई शौक से ये सारी चीज़ें खाता है, और घर का सामान में भी हर फैमिली वाले का वो होता है। तो हर चीज़ों का ये देखा जाए कि इसमें हमको फ़ायदा है या नहीं है, तो जिसमें हमारा फ़ायदा है हम वही देखेंगे। तो हमने सारी जो भी हमारी शॉपिंग थी वो हमने सारी कर लिए। तो ये देखिए, ड्राई फ्रूट भी है थोड़ा सा, और ऐसे चटर पटर खाने की भी चीज़ें हैं, इसमें चाय पत्ती भी है, शैम्पू भी है, साबुन भी है, स्प्रे भी है, कोल्ड ड्रिंक्स भी है, और भी चीज़ें हैं जो घर की भी चीज़ें होती है, जैसे कि घी है, चाय पत्ती आ गई, और तुअर दाल, ये वो सब तो इस्तेमाल की भी चीज़ें होती है। मगर हमेशा ये देखना है कि हम मॉल में शॉपिंग को इसलिए जाते हैं कि हमको इस चीज़ों का बेनिफिट मिले। तो कुछ अगर रिजनेबल चीज़ें मिलती हैं तो ज़रूर खरीदिए, अगर वो रिजनेबल नहीं है तो हम चेक करते हैं कि हमारा फ़ायदा है या नहीं है, तो आप निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़, हमेशा डेट देख के लीजिए। रीज़न ये कि डेट देख के लेना हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम फैमिली सारी इस्तेमाल करते, जो भी चीज़ें मॉल से ख़रीदी जाती है तो हम हमारे सारी फैमिली को मद्देनज़र रख के ही चीज़ें खरीदते हैं कि किसके लिए क्या चाहिए। तो आपके हेल्थ की बात आती है, इसकी वजह से मैंने बोला कि आप हमेशा डेट देख के ज़रूर लेना चीज़ें, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, जिसकी वजह से मैं ये आपको याद दिला रही हूँ। रही बात आपके जो भी होगा आपको ख़रीदना, तो उसकी लिस्ट बना के जाइए कि आपके किचन के लिए क्या चाहिए, आपके रोज़ के चटर पटर के लिए क्या चाहिए, हेल्थ के लिए क्या चाहिए, और भी चीज़ें होती है, बच्चों को क्या चाहिए, बड़ों को क्या चाहिए, और लोगों को भी क्या चाहिए। जैसा रसना भी लिया, ये देखो बिस्किटें भी हमने ले लिए, हो सकता है कभी मूड हो जाए रमज़ान में, मॉर्निंग में हम बिस्किट खाए, वेफर्स खा ले,
और गुड नाइट की तो बहुत ज़रूरत होती है, मुंबई है तो मच्छर बहुत होते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको मद्देनज़र रखनी होती है। तो मेरे ये सब चीज़ों की बातों का ये देखिए, कोल्ड ड्रिंक्स तो बहुत ज़रूरी है, तो कोल्ड ड्रिंक्स भी बहुत लेना अपने, क्योंकि थोड़ा बेनिफिट होता है ये सारी चीज़ों में, क्योंकि हमको दुकानदार ये सारी चीज़ों में बेनिफिट नहीं देता है, मॉल में हमको ये सारी बेनिफिट मिलती है। तो शॉपिंग करते वक्त ये सारी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना और अपनी शॉपिंग ज़रूर अच्छी इंजॉय करना, क्योंकि शॉपिंग करना भी लेडीज़ के लिए बहुत इंजॉयमेंट होता है कि उनको 2-3 घंटे तो अपनी पसंद की चीज़ें खरीदने मिलती है। जैसे कि ये सारी चीज़ें अपनी पसंद की होती है जो हम खरीदते हैं, हमारी पसंद से हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। फिर उसके बाद में जो किचन में हमारे लिए ज़रूरी होता है हमको खाना पकाने के लिए, वो सारी चीज़ें खरीदी जाती है। तो अपनी पसंद की सारी चीज़ें लीजिए, इंजॉय कीजिए। और हमने ये रमज़ान की सारी शॉपिंग वेनिसडे को की थी, थर्सडे को हमारे घर पे आ गई थी और मैंने फ्राइडे को ये सारा ओपन किया है। फ्राइडे नाइट को हमने ये ओपन करके सारी चीज़ें किचन में, जहाँ जहाँ पे किचन में कुछ बाथरूम में रखने की चीज़ें हैं तो जहाँ जहाँ जिसकी जगह थी वो हमने रख दिए। कुछ डबल क्रीम है तो अलग अलग सबको अपनी अपनी चॉइस का रखना होता है अपने पर्स में। तो कुछ ड्राई फ्रूट भी हमने शॉपिंग कर लिए, तो आप भी ज़रूर शॉपिंग करना। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए।